लेट्स डू दिस थर्ड पार्ट हियर इन दिस प्लेस इट सेज गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट. किसकी तरफ को जा रही है? वो वेस्ट की तरफ को जा रही है. एंड हाउ मच डिस्टेंस शी इज कवरिंग? 4 किलोमीटर. देन दे आर सेइंग देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. अब ईस्ट ऑफ नॉर्थ कहाँ पे होता है? ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, और ईस्ट ऑफ नॉर्थ कैसा हुआ? कुछ ऐसा. और कितने किलोमीटर है ये? 3 किलोमीटर. एंड दिस इज वॉट 30 डिग्री. और ये वाला एंगल कितना होगा? 60. नाउ दे आर सेइंग डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर. इनिशियल पॉइंट क्या है ये हमारा? ओ. ओ से लेकर यहाँ तक का हमें क्या करना है? डिस्टेंस निकालना. सो लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी हियर. और यहाँ पे आपने क्या करना है? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना. क्यों परपेंडिकुलर ड्रॉ किया? क्योंकि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा. सो इफ दिस एंगल इज 30, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसका साथ वाला कितना हुआ? 60 डिग्री. अब यहाँ पे हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है विच इज ए बी डी. अब यहाँ पे आपने क्या करना है? यू वुड बी यूजिंग साइन 60. साइन 60 किसके इक्वल है? इट इज इक्विवेलेंट टू सम पीपल हाफ पी ओवर एच. पी ओवर एच क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस. साइन 60 डिग्री इज द परपेंडिकुलर क्या है यहाँ का? बी डी. हाइपोटेनियस क्या है आपका यहाँ पे? इट इज बी ए और ए बी. ठीक है, साइन 60 की जगह क्या पुट करोगे? यू वुड बी पुटिंग √3/2. बी डी आपके पास वैल्यू नहीं है. पी ए आपके पास कितना दिया हुआ है? इट इज 3. 3 आप राइट साइड ले जाओगे, आपको क्या मिल जाएगा? 3√3/2 एस बी डी. ठीक है, अब यहीं से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? नेक्स्ट वैल्यू कौन सी निकालने की कोशिश कर सकते हैं इसी ट्राइंगल में से? ए डी. वी वुड बी फाइंडिंग ए डी. ए डी कैसे निकलेगा? कॉस वाला एंगल यूज कर लो, कॉस 60. तो कॉस 60 की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होती है? बी ओवर एच. कॉस 60 की वैल्यू इज हाफ. बेस कितना है इसका ट्राइंगल का? ए डी. हाइपोटेनियस कितना है? 3. तो हमारी वैल्यू क्या बन जाती है यहाँ पे? 3/2 एस ए डी, मतलब 3/2 किलोमीटर हो गया हमारे लिए. ठीक है, सो नाउ वॉट वी नीड टू फाइंड इज ओ डी निकालना है हमें. ओ डी भी निकल सकता है. टोटल डिस्टेंस ओ ए कितना है? 4 किलोमीटर. और 4 किलोमीटर से अगर 3/2 गए तो कितना बचा आपका? क्या वैल्यू आएगी? डी ओ. डी ओ इज इक्वल टू ओ ए माइनस ए डी. ओ ए कितना है? 4. ए डी कितना है? 3/2. तो आपके पास वैल्यू क्या बनती है? 8 - 3/2 विच इज 5/2. ठीक है, हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है? 5/2. सो हियर व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड इज कि ओ डी हमारा 5/2 किलोमीटर है. और हमें क्या निकालना था? वी हैव टू फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी एंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सॉरी वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी. तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया यहाँ से यहाँ तक? दूर कितना है ये? 5/2 है ना. तो आप क्या लिखोगे? -5/2, क्योंकि लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होता है. अब ऊपर की तरफ है वाई कोऑर्डिनेट और कितना हाइट पे है? इट इज अप्रॉक्सीमेटली 3√3/2 और पॉजिटिव होगा क्योंकि पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सेस है. सो इसी वजह से आई डिड फाइंड बी डी और ए डी निकाला पहले हमने. क्यों निकाला? ताकि हमारा डी ओ मिल जाए हमें और हमारी बी डी की वैल्यू मिल जाए. बी डी मिल जाएगा तो हमें वाई कोऑर्डिनेट मिल गया, और अगर हमें डी ओ मिल गया तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया.